Hey guys, welcome back to my channel. So yes, मेरा मन कर रहा है मैं पूरे घर में नाच नाच ये बात करूं. Oh my God, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ. वीडियो की टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्या बोल रही हूँ. मतलब वीडियो के टाइटल तो आपने देख ही लगा, आपको पता होगा कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. तो हाँ, मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ गई है. ओके, तो कल जिस बारे में मैं बात कर रही थी कि मेरे बैंक का काम नहीं हो रहा है, मैं परेशान थी उसके लिए, वो काम यही था गाइस. एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी पेमेंट कल आई थी. बाय द वे, जब मैं व्लॉग कर रही थी ना, तो व्लॉग मैंने एंड कर दिया था, वरना मैं कर लिया आप लोगों को बता देती. तो मैंने व्लॉग एंड कर दिया, एडिट कर दिया. उसके बाद रात में 8 बजे, हाँ 8 बजे मुझे मैसेज आया कि आपके बैंक में ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, ऐसे ऐसे करके. एक्चुअली हुआ पता है क्या था, हुआ ये था कि मेरा जो अकाउंट था ना, वो माइनर अकाउंट था, ठीक है. तो माइनर अकाउंट में योनो आप वो नहीं कर सकते, मतलब योनो नहीं कर सकते, और जब तक मैं योनो नहीं करती तो इंटरनेशनल पेमेंट नहीं आता. तो अभी मसला हो गया, मैंने कहा यार ये क्या करें. तो फिर पहले मैंने अपना अकाउंट मेजर करवाया, उसका मैसेज नहीं आ रहा था मेरे पास कि आपका अकाउंट मेजर हो गया है. फिर उसका मैसेज आया, जैसे तैसे मैं कल बैंक गई, वहाँ पे कुछ सेटिंग वेटिंग की, उसके बाद वो मेजर का मैसेज आया, उसके बाद मैंने योनो कराया, उसके बाद मेरा पेमेंट उस बैंक में आया है कल. तो मम्मी भी बैठी थी वहीं पे, पापा भी बैठे थे, एकदम से मैसेज आ गया. मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने मम्मी को बताया, फौरन मैंने बता दिया. पता है पहले मैंने क्या सोचा था कि मैं बताऊंगी नहीं, अपने तक रखूंगी, मतलब 2-3 दिन पहले. मतलब मुझे पता तो था ही पेमेंट आने वाला है, क्योंकि पता चल जाता है. तो मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ था कि यार मैं बताऊंगी नहीं किसी को भी, और मैं एकदम से वीडियो में ही बताऊंगी जब मैं व्लॉग शूट कर रही होंगी. लेकिन वो मोमेंट ऐसा था कि लाइक आया पेमेंट, और मेरे मुंह से एकदम निकल गया और पेमेंट आ गया, पेमेंट आ गया. तो सबको मतलब पता जब भी चल गया था, मम्मी को भी पता चल गया था, पापा को भी पता चल गया था, और मैंने किसी को नहीं बताया. सबको पता चलेगा तो इसी व्लॉग से भी पता चलेगा. तो या चाहती तो मैं सुबह उठते ही व्लॉग स्टार्ट कर देती, बता देती, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा यार अच्छी अच्छी न्यूज़ दे रहे, थोड़ा अच्छा बन जाते. तो मैं नहाई धोई, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. मम्मी स्कूल गई है और पापा घर पे नहीं है. जब पापा आ जाएंगे तो मैं उनके साथ ATM जाऊंगी पैसे निकालने, और उसके बाद मैंने कुछ सोचा है. आज इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं इसे शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती ना. पैसे निकालना है, क्या बंद है ATM? सारे नहीं, सारे नहीं बंद होंगे, बस चलेंगे शाम को, वहां से निकाल लेंगे, क्या नाम है, सेंटर पॉइंट से निकाल लेंगे, कहीं ना कहीं से निकाल ही लाएंगे, तो चलोगे शाम को तो. ठीक है, ठीक है, इधर आओ. हाँ बैठो. क्यों? अरे बैठो तो. दो जी बैठ गया बेटा, बताओ कैसा लग रहा है. ए बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हो आप. अरे मेरी इनकम आई, ये कैसा लग रहा है. अरे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, माशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे. पहली बार नहीं आई है, लेकिन YouTube की तरफ से पहली बार ही है. वेरी गुड, माशाल्लाह. मुझे बड़ी खुशी है मेरी बेटा की पहली इनकम आई. पापा कल कह रहे थे कि इनकम आएगी तो पापा को क्या दोगी. हाँ भैया सुनाऊंगा आपसे. तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि ATM सारे बंद है, पापा कह रहे हैं, तो शाम में हम जाएंगे, निकाल के तो लाऊंगी आज ही जरूर, थंबनेल भी तो बनाना है. तो शाम में जाऊंगी मैं, अब मम्मी के आने का वेट करती हूँ, उसके बाद मैं मम्मी से आप लोगों को मिलवा दूंगी. आज मेरे चैनल को 11 महीने हो गए वीडियो बनाते बनाते. 11 महीने पहले मैंने मेरा चैनल स्टार्ट करा, पहली वीडियो डाली, और यार मतलब इतनी जल्दी टाइम चला गया पता ही नहीं चला. लाइक जब आपको पता है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, जिस दिन मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, तो उस दिन मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा ली थी कि यार 2 साल तक तो तू कुछ मत सोच, मतलब ये तो उम्मीद मत लगा कि इनकम कब आएगी और क्या कहते हैं मोनेटाइज कब होगा, सब्सक्राइबर्स कब बढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी तुझे सोचना नहीं है. अगर तू ये सोचेगी तो तू वर्क नहीं कर पाएगी, तू डिप्रेस हो जाएगी, तो तुझे 2 साल सिर्फ मेहनत करनी है, ये मेरे दिमाग में था. मैंने मम्मी को भी ये बोल दिया था कि 2 साल से पहले कोई उम्मीद ना लगाना मुझसे. तो खैर वो तो बेचारी हर बात में हर हाल में सपोर्ट करती है. तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी
लेकिन अब आज जब मैंने ऐसी लाइक चेक करा कि यार मेरी आखिरी वीडियो जो मेरी पहली वीडियो थी उसको कितना टाइम हुआ है, तो मैंने देखा यार उसको सिर्फ 11 महीने ही हुए हैं, और कहा मैं 2 साल का सोच रही थी और वो सफ़र 11 महीने में पूरा हुआ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मुझे प्यार करते हो, आप मुझे सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। आई नो अभी लाइक चैनल की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, मेरे लाखों में सब्सक्राइबर्स नहीं है, लाखों में या बहुत ज़्यादा हज़ारों में व्यूज़ नहीं आते हैं, तो उसमें अभी टाइम है, अभी चैनल स्टार्ट हुआ है और मेहनत करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन अभी इतने महीने में जितनी मुझे ग्रोथ मिली है मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने मेहनत की है, आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ है ही नहीं। थैंक यू सो मच गाइस। मैं आज हर उस बंदे को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और आई होप आपको पसंद भी आती होंगी। आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि यार इनकम कितनी आई। तो उसकी बात ऐसी है कि मतलब मे बी शायद मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जहाँ तक मुझे पता है कि किसी भी यूट्यूबर को ये परमिशन नहीं होती कि वो अपनी इनकम रिवील करे या उसको बताए कि कितनी है या दिखाए। मतलब मुझे पता है कि ऐसा है, तो मैं अभी अपने चैनल के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ठीक है, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रही हूँ। मैं एक ऐसे आइडिया दे देती हूँ जिसका न्यू मे बी बहुत सारे लोगों का न्यू चैनल वो स्टार्ट करना चाह रहे हो या बिगिनर हो तो उन्हें नहीं पता है, तो मैं ये बता देती हूँ कि यार देखो होता ऐसा है कि आपको महीने मतलब 21 तक, ठीक है, 21 डेट तक हर महीने आपको कैसे भी $100 करने ही करने होते हैं, ठीक है। अगर आपके $100 हो जाएंगे तो वो आपके बैंक में आ जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे, ठीक है, जैसे $200 हो गए या $150 हो गए और $300 हो गए, 100 से कितने भी ऊपर आप कर सकते हो, अगर आप कर रहे हो तो वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका उस महीने $100 नहीं हुआ है तो वो आपका नहीं आएगा पेमेंट, ठीक है, फिर आपका वो नेक्स्ट मंथ के लिए वेट करेंगे। अगर आप 2 महीने में $100 करके दोगे तो फिर वो $100 आ जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। ये मैंने ऐसे ही शॉर्ट में बता दिया है, मैं थोड़ा सा भूल गई थी बताना तो ये अभी ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले गाइज होता ये है कि जब आप अपना चैनल स्टार्ट करते हो तो आपको अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम आर करना होता है, मतलब कि आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और क्या कहते हैं आपके चैनल पे 4000 घंटे होने चाहिए, ठीक है, 4000 घंटे होने चाहिए, मतलब इतनी देर तक आपके वीडियोस लोगों को देखनी है जब भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस आता है कि आपको पहले फिर करने पड़ते हैं $10 जो आपके पास नहीं आएंगे। जब आप $10 कर लोगे अपने चैनल पे व्यूज के जरिए, जब आप $10 कर लोगे तो आपके पास एक पिन आएगा, उस पिन को आपको अपने गूगल एडसेंस से लिंक करना पड़ेगा, फिर आपको $100 करने हैं जब वो आपके पास आएंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लोग कहते हैं ना कि अरे यूट्यूबर तो ऐसे ही पैसे कमा लेते हैं और यही हो जाता है और कोई भी चैनल बना ले, ऐसे नहीं होता, ये बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है इतना मेहनत करना और इतने पेशेंस रखना। मेन बात पेशेंस है और कुछ भी नहीं है, कि लोग सोचते हैं यार 1 महीना हो गया चैनल ग्रो नहीं हो रहा, 2 महीने हो गए अबे इसके चैनल पे तो व्यूज़ ही नहीं आते, इतने इतने व्यूज़ रहते हैं, यार उनका चैनल 3-4 साल पुराना होता है, ठीक है, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी और क्या कहते हैं पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे जो मेन खेल है ना वो पेशेंस का ही है और कुछ भी नहीं है। और एक आइडिया ऐसी दे देती हूँ कि मेरी जो इनकम आई है वो $100 से ऊपर आई है, कितनी आई है ये अभी नहीं बताऊँगी, ठीक है, वो आगे जाके बता दूँगी जब थोड़ी और बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी तो अभी गाइज मैं बता नहीं सकती, मजाक कर रही हूँ, बता नहीं सकती इसलिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक आइडिया दे दिया है कि $100 से ज़्यादा है, तो या आते ही मुझे पूछती अम्मा बेटू बैठी है बेटू तो मेरी माशाल्लाह मेरी बेटू यहाँ बैठी है मैंने लोगों को बता दिया अच्छा वेरी गुड बहुत बढ़िया अच्छी बात है बताना चाहिए शेयर करना चाहिए और क्या
वैसे दुखी हो रही, परेशान हो रही फालतू में। हाँ, टेंशन नहीं रखी कि बस पूछो मत, अरे तो क्या हो गया था, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। टेंशन पता है क्या मेरे को इस चीज की नहीं थी कि इनकम नहीं आ रही, मतलब मुझे ये था कि क्योंकि मुझे पता था आने वाली है। बैठो, क्योंकि क्योंकि मतलब मुझे ये तो पता, मुझे ये पता चल गया था कि आने वाली है। अब मुझे पता चल जाए ना कि काम होने वाला है तो मुझे ही रहता जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दी से हो जाए। आप लोगों की मेहनत ही है, और आप मेहनत क्या प्यार है आप लोगों का। इसकी मेहनत है, आपका प्यार है। मैं पता है सोच रही थी, पापा से कह रही थी अभी पैसे निकाल लो और आप आती तो मैं आपको देती एकदम से, लेकिन वो एटीएम बनता। हाँ तो कोई बात नहीं, तो पापा कह रहे शाम में निकाल। इतनी अच्छी है तो अच्छी बात है, वो एक तरह से देना ही हो गया जब सोच ऐसी है। तो मैं शाम में जाऊंगी एटीएम, और मम्मी आ गई है अब बातें बातें करेंगे, उसके बाद तो खेल रही है। वरना तो दो दिन से बिल्कुल उदास थी, बिल्कुल ऐसी जैसे पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया आ जाएगा मैसेज, कौन से ऐसी टेंशन ले रही हो। सो गाइस मैं जा रही हूँ पापा के साथ एटीएम पैसे निकालने। आप बोल दो ना, क्या बोल दूं बताओ। अभी जो कह रहे थे हम जा रहे हैं एटीएम अपनी बेटी के पैसे निकलवाने के लिए। वैसे मैंने बोल दिया था। बोलो बोलो, एटीएम हमारा बंद था, स्टेट बैंक वाला हमारे सिंडिकेट बैंक। ठीक है, एटीएम सिंडिकेट बैंक के एटीएम। ठीक है, निकालना आप। ठीक है डॉक्टर, ले निकालो आप। ठीक है, और इसके बाद जो ये लेके आएंगे। ये पापा कह रहे हैं पहले घर बाद में चलेंगे, पहले मुझे कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे मेरे पैसे तो दे दो यार। पैसे कहाँ लेगा, पापा पास रहने दो, पापा लौट के दे देंगे आपको। नहीं अभी चाहिए। अपने एटीएम पकड़िए आप अलीना। प्लीज पैसे पकड़िए जल्दी आ जाना आप। हाय गंद झूठे। मैं कब निकला, अच्छे मेकअप नहीं किया है, किया है मुंह धोकर लिपस्टिक लगाई थोड़ी सी, फाउंडेशन ही लगा के आई छुड़ू। तुम तो करीब में ठीक सी हो जाओ जरा, सुबह उठ कर तो वैसे ही वो लगता है। ये अभी ठंड हो रही है नी, अभी ठंड जा नहीं रही है ना। ये लो। ये भी कह रही मम्मी ठीक सी हो गया हो जाओ जरा, मुंह धोलो जरा। थैंक यू थैंक यू, खुश रहो जीती रहो, इतनी बड़ी हो जाओ बेटा माशाल्लाह। तो बेटा तो बड़ी खुश, पेरेंट्स की तो क्या कह रहे हो, बेटा तो बड़ी खुश नजर आ रही है भाई। आप खुश नहीं हो? अरे मैं तो पूछो ना, मैं तो जमीन से एक एक फुट ऊंचा चल रहा हूँ। कुछ भी। और क्या, बेटा खुश तो हम भी खुश माशाल्लाह। और फिर दूसरी बात यह है कि पेरेंट तो खुश होते ही हैं बच्चे की कामयाबी पे। चलो कोई रिएक्शन दो। बस कोई दूसरा दो। और दूसरा यहाँ पे हम लोग थंबनेल बना रहे हैं, तो आप समझते थंबनेल बनाने के बाद क्या थंबनेल। पहले मैं थंबनेल में बिल्कुल वर्क नहीं करती थी, आपने देखा होगा मेरी पुरानी वीडियोस में कुछ भी थंबनेल लगा हुआ है मतलब ऐसे ही रैंडम, लेकिन अब मैं अच्छे से थंबनेल बनाऊंगी जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। नोटों का सर है ना इसी। नोटों का सर नहीं है मतलब, हाँ सर भी है। मैंने मेरा YouTube चैनल जब स्टार्ट किया था
मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, बस इतना पता था वीडियो बनानी है, एडिटिंग थोड़ी बहुत आती थी, एडिटिंग कर लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ और डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। कॉपीराइट जो आ जाता है वीडियोज़ पे, उसको हटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और उस टाइम में इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया था कि गाइस कॉपीराइट आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये वो, बहुत घबरा रही थी कि यार कॉपीराइट क्या होता है। मुझे पता भी नहीं था कि कॉपीराइट होता क्या है, क्यों आता है, किस वजह से आता है। तो मम्मी और मैं डिस्कस करते थे, मम्मी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में ये लाइन बोली थी इस वजह से तो कॉपीराइट नहीं आ गया, या मम्मा मैंने इस सेलिब्रिटी का नाम लिया था इस वजह से तो कॉपीराइट नहीं आ गया, वो बाद में पता चला म्यूज़िक की वजह से आता है। तो यही है, धीरे 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 चीज़ें लर्न करी, सीख गई, अब तो इतना सीख गई हूँ कि किसी को ट्यूटोरियल दे दूँ। आप लोगों को पता है मेरी लाइफ की पहली इनकम क्या थी, जो मैंने पहली बार खुद से मेहनत से पैसे कमाए थे, यूट्यूब नहीं था, उससे हटके, यूट्यूब का तो पहला पेमेंट ही आया है, उससे हटके वो पैसे थे 700 रुपये। वो एक एड शूट था, पहला एड शूट था वो मेरा, और उसमें मुझे 700 रुपीज़ मिले थे। मैंने मेहनत से मतलब वो शूट निकाला, मम्मी मेरे साथ ही थी, बारिश भी आ गई थी, बीच में रुक रुक के वो शूट हुआ, मुझे आज भी याद है और मैं कभी नहीं भूलूंगी उस दिन को। तो लास्ट में जब शूट ख़त्म हो गया तो मुझे 700 रुपीज़ मिले, मैंने मम्मी को दिए, और उस टाइम पे मम्मी और मेरी फीलिंग सेम थी। मुझे ये लग रहा था कि मैंने 7,000 रुपये कमाया, मम्मी को ये लग रहा था कि मैंने 7,000 रुपये कमाया, मतलब हमारी जो खुशी का लेवल था ना वो अलग ही था। हम पूरे रास्ते ये बात करते आए थे, मेरे को याद है गली में मैं चल रही थी, मेरी मम्मी के साथ हाथ पकड़ा हुआ था हमने, और बारिश हो रही थी, ठीक है बारिश हो रही थी, और हम ये बात करते हुए आ रहे थे। मम्मी कहती ओहो आज तो तूने पहली बार पैसे कमाए हैं, ओहो आज तो तूने पहली बार पैसे कमाए, मतलब वो यार कि वो पहली कमाई थी ना, वो मेहनत की मेरी खुद की थी, तो वो 200 रुपये भी होते ना तो भी मैं इतना ही खुश होती, तो फिर वो तो फिर भी 700 रुपये थे यार, मैं बहुत खुश हुई थी। और अब आप देख लो कि आज मेरी खुशी का क्या ही लेवल होगा। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वीडियोस बनाती हूँ, बस इतना है कि यूट्यूब पे जज करने वाले लोग ज़्यादा हैं, पर मुझे जज होने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ रहा होता तो ना ही मैं यूट्यूब चैनल खोलती, ना ही चैनल बनाती, ना ही वीडियोज़ बनाती, ना ही अपलोड करती, और ना ही आज मेरे हाथ में ये होता। तो ये सभी को मैं बोलना चाहती हूँ यार कि जो भी काम कर रहे हो लगन से करो, मेहनत से करो, दिल से करो, तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय बाय, लव यू।